नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में कैंसर सर्जरी विभाग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ब्रेस्ट और जीआई कैंसर्स की फील्ड को देखता हूँ। आज मैं आपसे रेक्टल कैंसर या कार्सिनोमा रेक्टम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो रेक्टम जो बड़ी आंत का नीचे का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है, और इसमें होने वाले जो कैंसर हैं उसमें जो मरीज़ों में सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम है लैट्रिन की जो हैबिट होती है उसमें कोई चेंज, या चेंज इन बाउल हैबिट्स बोलते हैं। काफ़ी मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है, कुछ मरीज़ों को ऐसा लगता है कि पेट साफ़ नहीं हुआ और इसलिए उन्हें बार बार स्टूल्स जाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पूरियस डायरिया। तो ये इसके अलावा कुछ मरीज़ों में लैट्रिन में ब्लड भी आ सकता है। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिम्टम्स ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, या ऐसा सोचा जाता है कि पेशेंट को कुछ कॉमन बीमारियां हैं जैसे पाइल्स या बवासीर जिसे कहते हैं, या कई बार डिस्चार्ज होता है तो वो भगंदर या फिशुला से भी सस्पेक्ट किया जाता है, और इस वजह से इसकी जो डायग्नोसिस है लेट हो जाती है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स, ख़ासतौर से अगर वो 50 की उम्र के बाद हो रहे हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत सर्जन को या कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा के जाँच करानी चाहिए। इसमें जो जांच होती है वो लैटिन के रास्ते में एक पहले सर्जन जांच करते हैं उंगली के द्वारा, उसके अलावा फिर दूरबीन से जांच की जाती है, और इसका कंफर्मेशन जो है कैंसर का वो एक टुकड़ा या बायोप्सी लेकर किया जाता है। एक बार जब कैंसर का कंफर्मेशन हो जाता है तो स्टेजिंग के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट सीटी स्कैन है, वो किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि बीमारी शरीर में कहीं दूर फैली है या सिर्फ रेक्टम के अंदर ही है। ज़्यादातर केसेस में जब रेक्टम में अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 का कैंसर होता है तो पेशेंट्स को पहले हम लोग रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दे करके, जिसे बोलते हैं हम लोग नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट, नियो एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी, वो देते हैं। ये इलाज करीब 5 से 6 हफ्ते का होता है। इससे बीमारी काफ़ी श्रिंक कर जाती है और जो पेशेंट को बेनिफिट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में बहुत मिलता है। ये ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद रफली 6 से 8 हफ्ते का एक इंटरवल देते हैं, जिसमें इसका रेस्पॉन्स पूरा और डेवलप होता है, साथ ही जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के उससे भी पेशेंट रिकवर कर जाता है। उसके बाद में सर्जरी की जाती है। रेक्टल कैंसर की सर्जरी में जो लोगों के मन में घबराहट या डर होता है वो होता है कि लैट्रिन का रास्ता जो है नीचे से बंद होके और पेट में एक परमानेंट कोलोस्टमी बना दी जाएगी। लेकिन आज के दिन ज़्यादातर मरीज, हम कहेंगे कि 80 से 90% पेशेंट्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कीमो रेडियोथेरेपी करके जब ट्यूमर श्रिंक हो जाता है तो ज़्यादातर केसेस में हम नीचे का रास्ता बचा पाते हैं। कुछ केसेस में हमें एक टेम्परेरी स्टोमा या आइलियोस्टमी पेट में बनाना पड़ता है, लेकिन वो कुछ महीने के बाद बंद कर दिया जाता है। ये ऑपरेशन एक ट्रेडिशनल या ओपन सर्जरी की तरह तो हमेशा से होता ही है, लेकिन आजकल इसके लिए मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच भी आ गई है, जिसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी ये सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट के पेट में काफ़ी छोटा कट आता है और उसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को कुछ केसेस में एडिशनल कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है। ओवरऑल यही है कि अगर हम टाइम से इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और प्रॉपर इलाज करते हैं तो ज़्यादातर मरीज़ परमानेंटली ठीक हो जाते हैं और उसमें नॉर्मल लैट्रिन का रास्ता बचा भी रहता है। तो मेरा यही मैसेज है कि बीमारी से डरे नहीं, इसकी अगर कोई भी सिम्टम्स हों तो तुरंत जाँच कराएँ और प्रॉपर इलाज कराएँ। थैंक यू।